और आज धार्मिक आयोजनों का बड़ा दिन है और इसी कड़ी में पहली बार कानपुर में विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन को नाम दिया गया है रामोत्सव, लेकिन इसके जरिए वीएचपी की कोशिश है कि हिंदू समाज को एक किया जा सके, जिसके चलते एक मंच पर कई बड़ी हस्तियां देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि कानपुर के निराला नगर के रेलवे ग्राउंड में विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें आकर्षण का केंद्र रहेगा वो पुष्पक विमान, जिसमें श्री राम के 6000 स्वरूप विराजमान होंगे। इस कार्यक्रम में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, साध्वी रितंभरा और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे भी शामिल होंगे। तो का ये रामोत्सव कार्यक्रम है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और इसका मकसद क्या है, ये जान लेते हैं। रतीश हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। रतीश, वहां पर तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं वो भी जरा दिखाइएगा, और इस रामोत्सव कार्यक्रम के जरिए किस तरीके का संदेश वीएचपी देने की कोशिश कर रही है वो भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए देश और दुनिया का अनूठा कार्यक्रम कहा जा रहा है रामोत्सव। आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा दें, तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियों को पूरी तरह से अंजाम दे दिया गया है। निराला नगर रेलवे मैदान भगवामय हो चुका है, पूरे झंडे आपको दिखाएं कि लगातार झंडे दिख रहे हैं। 1 लाख के करीब लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश है, 1 लाख से ज्यादा की संख्या भी बताई जा रही है। भगवामय हो चुका है पूरा निराला नगर रेलवे ग्राउंड, और यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं। 3 मंचों में अगर पहले मंच की बात की जाए तो एक मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको निराला नगर ग्राउंड की दिखा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम रैलियाँ होती आई हैं और इसको पूरा तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने अपने रंग में, भगवा रंग में रंगा हुआ है। 3 अगर बात की जाए मंचों में तो पहला मंच कल्चरल का रहेगा, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा पुष्पक विमान सबसे ज़्यादा खास आकर्षण कहा जा रहा है, और वो पुष्पक विमान आपको दिखाएं कि पुष्पक विमान की जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 100 फिट लंबा है, 100 मीटर लंबा है, 300 मीटर चौड़ा है और करीब 24 फिट ऊंचा है। और ये सबसे बड़ी बात है, इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण अगर कहा जाए तो 6000 भगवान श्री राम के स्वरूप यहाँ पर विराजमान होंगे, उनको बैठाया जाएगा। और ये विश्व हिंदू परिषद का जो कानपुर प्रांत है उसके 21 जिले जो हैं वहाँ से ये 6000 गांवों से, प्रखंडों से बच्चे और 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के जो व्यक्ति होंगे वो भगवान श्री राम के स्वरूप में यहाँ पर नजर आएंगे। 3 स्वरूप भगवान श्री राम के नजर आएंगे, राजा राम के रूप में, राजकुमार राम के रूप में और वनवासी के रूप में जो भगवान राम का स्वरूप था वो यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा करीब 1000 बजरंग बली के स्वरूप भी यहाँ पर नजर आएंगे। तीसरा मंच जो आपको दिखा रहे हैं वो मंच है, 108 संत यहाँ पर बैठेंगे, जो हिंदू धर्म के तमाम पंथ हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, निरंकारी हैं, आर्य समाज हैं, वो तमाम महानुभाव, तमाम संत इस मंच पर रहेंगे और 108 उनकी संख्या होगी। बहुत ही भव्य स्वरूप दिया गया है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। अभी से ही हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कई सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हिंदू जन जागृति जागरण कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, और उद्देश्य है इसकी एक टैगलाइन दी गई है, बच्चा बच्चा राम का। कुल मिलाकर अगर मकसद समझा जाए, उद्देश्य समझा जाए, तो उद्देश्य एक लाइन में ये है कि हिंदुओं को एकत्र करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ये एक कोशिश है। पहला कार्यक्रम देश और दुनिया का रामोत्सव के रूप में यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम है। इसके बाद अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके के कार्यक्रम होंगे, लेकिन शुरुआत कानपुर से हो रही है और तमाम हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मकसद यही है कि हिंदुओं को एकत्र किया जाए, हिंदू जो विभक्त है, जो बटा हुआ है उपजातियों में, जातियों में, उसको एक करना है। इस मोटिव के साथ विश्व हिंदू परिषद अपने इन एजेंडे को, इन कार्यक्रम को आगे लेकर के जा रहा है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं। बेटा क्या देखने आए हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैसे डेकोरेशन है, क्या क्या यहाँ हो रहा है। कहाँ से आए हो? मैं SBI कॉलोनी होम नंबर 6 निराला नगर कानपुर। पापा मम्मी के साथ आए? पापा दीदी। ये पुष्पक विमान की अगर बात की जाए तो इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो 3D टेक्निक से इसको बनाया गया है। लाइटिंग्स इसकी देखने लायक होंगी, 6 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। 2 सेल्फी पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि रामायण काल का अश्वमेध घोड़ा आप तक पहुंच रहा है, और उसमें भी सेल्फी पॉइंट्स बहुत ही नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी अपनी परंपरा, सनातनी परंपरा को आगे ले जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निराला नगर मैदान को पूरी तरह से सजा दिया है। अब इंतज़ार 4 बजे का है, औपचारिक समय 4 बजे दिया गया, लेकिन कार्यक्रम 5 बजे के आसपास से शुरू होगा, जब रामविलास वेदांती, भैया जी जोशी,
साध्वी रितंबरा और मिलिंद परांडे जो कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम संत होंगे, कुछ नेता भी यहाँ पर नजर आएंगे, सांसद विधायक भी नजर आएंगे, लेकिन उनको मंच नहीं दिया जाएगा, उनको नीचे बैठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो पंथी मार के मतलब पैर फोल्ड करके नीचे बैठेंगे, उनके लिए कोई कुर्सियाँ नहीं लगाई गई हैं, यानी सब बराबर है, सब धरातल पर, सब जमीन पर बैठेंगे। और विश्व हिंदू परिषद सबको एक तरीके से एक साथ लाना चाहता है, कोई सवर्ण नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, सब एक है, सब हिंदू है, और यही इसका जो मूल मंत्र है वो समझ में आएगा। और इसके जो पॉलिटिकल मायने हैं, जो राजनीतिक मायने हैं, कहे नहीं जा रहे, लेकिन बिल्कुल ठीक है, सभी एक समान हैं और एकजुट है, यही मंत्र है। और इसी मंत्र के साथ ही आज ये बड़ा आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है, जिसकी पूरी जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका।